हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं क्लास प्लस टू के बारे में सीबीएसई ने आपका सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है सीबीएसई की साइट के ऊपर सैंपल पेपर्स आ चुके हैं टर्म टू के लिए सो so, टर्म टू के सैंपल पेपर के बारे में आज आपके साथ बात करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं देखिए देर आर थ्री सेक्शंस आप देख सकते हैं देर आर थ्री सेक्शन सेक्शन ए के अंदर देर आर सिक्स क्वेश्चन बी में देर आर फोर क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स इच और सेक्शन सी के अंदर देर आर फोर क्वेश्चन ऑफ फोर मार्क ईच लेकिन इसके अंदर एक और खास बात क्या है कि जो ये सेक्शन सी के अंदर चार क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपका है केस बेस्ड प्रॉब्लम का यानी जैसे आपके पास टर्म वन के अंदर केस स्टडीज आए थे ऐसे ही टर्म टू के अंदर भी आपके पास केस स्टडी आएगा एक क्वेश्चन होगा विल बी टू सब यानी हर पार्ट उसका टू टू मार्क्स का होगा जैसे वहां पर आपके पास फाइव पार्ट्स आते थे वन मार्क ईच कोई चार करने होते थे तो यहां पर आपके पास दो सब पार्ट्स हैं दोनों आपको करने हैं और टू टू मार्क्स के दोनों पार्ट्स हैं आपके पास इंटरनल चॉइस की जहां तक बात है बोर्ड ने यह कहा देर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम ऑफ़ द क्वेश्चन इन सम ऑफ द क्वेश्चन मींस इट इज नॉट क्लियर कितने क्वेश्चन में इस पेपर को सैंपल पेपर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे हमें नजर आता है देर आर ओनली वन यहां पर सिर्फ आपके पास एक एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है जैसे सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही इंटरनल चॉइस है पहला क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेशन सेकेंड क्वेश्चन इट इज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड इज फ्रॉम दी वेक्टर थ्री डी फोर्थ इज ऑल्सो फ्रॉम दी वेक्टर एंड थ्री डी फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉबेबिलिटी तो आपने गौर किया कि इन छह क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है ऐसे ही अगर हम सेक्शन बी को ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज फ्रॉम इंटीग्रेशन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इज फ्रॉम वैक्टर एन थ्री डी टेंथ इज ऑल्सो फ्रॉम वैक्टर एन थ्री डी बट देर इज ऑल्सो वन चॉइस तो ऐसा नहीं है जैसे सेक्शन ए में आपने ऑब्जर्व करा एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइस थी तो सेक्शन बी में दो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे दी है ऐसे सेक्शन सी में बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड है बट डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का है यानी आपको एरिया अंडर कर्व उससे रिलेटेड क्वेश्चन है थर्टींथ इज अगेन फ्रॉम दी वेक्टर थ्री डी और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आपके पास जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो यहां पर इन्होंने प्रोबेबिलिटी से डाला हुआ है और देयर आर टू क्वेश्चन ओनली जो दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं यानी यहां पर आपके पास कोई चॉइस नहीं आई है सिर्फ आपके पास सेक्शन सी में एक क्वेश्चन के अंदर चॉइस है सेक्शन ए में आपके पास एक क्वेश्चन में और सेक्शन बी में दो क्वेश्चंस के अंदर है तो अगर हम इसके सेम्पल पेपर के अकॉर्डिंग चले तो डेफिनेटली आपके पास फाइनल एग्जामिनेशन में भी तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा एंड यू कैन थिंक ऑफ की सेक्शन ए में किसी एक क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस हो सकती है सेक्शन बी में कि क्वेश्चन में और सेक्शन सी में किसी एक क्वेश्चन में टर्म वन के अंदर आपके पास जो टाइम अलॉटेड था दैट वॉज जस्ट वन एंड हाफ आवर बट हियर द टाइम अलॉटेड इज टू आवर्स बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है सो डेफिनेटली टाइम आपको ज्यादा लगेगा बिकॉज यू हैव टू राइट ऑल दी आंसर यहां पर आप कैलकुलेशन जैसे आपने टर्म वन के अंदर रफ में कैलकुलेशन करी थी स्पीडली आप कर पा रहे थे और आप आंसर के तरफ चले जाते थे बट यहाँ पर आपको प्रॉपरली यानी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपने आंसर्स लिखने होंगे मार्क्स वही मैक्सिमम मार्क्स आपके वही फोर्टी हैं क्योंकि फोर्टी मार्क्स का आपका टर्म वन के अंदर हो चुका था टेन मार्क्स का आपके इंटरनल असेसमेंट थी हेयर ऑल्सो दी मार्क्स इज फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन एंड टेन मार्क्स फॉर दी इंटरनल असेसमेंट सो दिस वे इट विल बिकम हंड्रेड मार्क्स क्वेश्चन टोटल पेपर टर्म वन फिफ्टी मार्क्स टर्म टू फिफ्टी मार्क्स सो अगर आप ऑब्जर्व करें यहां से सैंपल पेपर इज वेरी ईजी आपके सामने है कोई खास इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है टाइम भी आपको ज्यादा नहीं लगने वाला है तो अगर आप ध्यान से देखें छः चार और चार मीन्स आपके पास टोटल फोर्टीन क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला फिर भी बोर्ड ने आपको टू आवर्स दिए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड आई एम होपफुल की यू विल बी एबल टू डू गुड इन द एग्जाम सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म टू एग्जाम्स थैंक यू वेरी मच